हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम डिजाइन करने वाले हैं ये वाला पोस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये रहा हमारा कैनवस, और यहाँ से हम अपने पहले प्रोडक्ट को करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, एंड देन हम इसे करते हैं थोड़ा ट्रांसफॉर्म। उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल टूल और हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो हम लेंगे ये कलर और इसे यहां से करते हैं रोटेट, इसे भी करेंगे एंड देन इसे हमें कॉपी करते हैं और नीचे वाले लेयर को हम ऊपर लेके जाएंगे। इसी कलर को हम चेंज करते हैं एंड देन हम इस वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं, एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और हम इसे लेंगे ब्राइट कलर क्योंकि हमें यहाँ पे ग्लोइंग इफेक्ट डालना है। ऐसे फिर से हम इसे कॉपी करेंगे और इसे ब्लेंडिंग मोड को करेंगे हम स्क्रीन, ओपेसिटी कम करते हैं एंड ओके। देन हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स, ब्राइट कलर सिलेक्ट करते हैं फिर से कॉपी करेंगे और ब्लेंडिंग मोड हम करते हैं स्क्रीन, ओपेसिटी कम करेंगे एंड ओके। एंड देन हम इस वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड गो टू ब्लेंडिंग ऑप्शन और यहाँ से हम क्लिक करते हैं बेवल एंड एम्बर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एंगल चेंज करेंगे, तो हमें यहाँ पे चाहिए तो हम ऊपर की तरफ करते हैं ये देखिए, और इसका कलर भी ठीक है, हमने सॉफ्ट लाइट रखा है और साइज हमारा 2 है एंड बाकी सारे सेटिंग हमारी डिफॉल्ट है एंड ओके। पहले कलर को हम थोड़ा और डार्क करते हैं, ये रखते हैं ओके एंड इसको भी चेंज करते हैं, अब ये ठीक है। एंड देन हम बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड सॉलिड कलर, एक न्यू लेयर लेंगे और ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ब्राइट कलर और यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ब्लेंडिंग मोड हम करते हैं स्क्रीन, फिर से इसको कॉपी करेंगे और साइज इंक्रीज करते हैं, इन सभी को हम सिलेक्ट करेंगे, इनको कर देते हैं हम ग्रुप और इससे हम एक न्यू लेयर लेंगे एंड ब्रश टूल और हम और लेते हैं और ब्राइट कलर ये, और हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, साइज इंक्रीज करते हैं और ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे सॉफ्ट लाइट एंड ओके। एंड देन हम बैकग्राउंड वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इनको कर देते हैं ग्रुप, इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पेन टूल और हमें ऊपर से सिलेक्शन बनाते हैं एक, राइट क्लिक करेंगे एंड मेक अ सिलेक्शन ओके, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड एक्सपोजर, यहाँ से हम करते हैं क्लिपिंग मार्क और जो हमारा एक्सपोजर है उसे हम इंक्रीज करते हैं, लेयर्स पे आएंगे और यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं एंड फिदर इंक्रीज करेंगे एंड ओके। इसके ब्लेंडिंग मोड को हम करते हैं स्क्रीन, देन हम फिर से पेन टूल सिलेक्ट करते हैं और हम यहाँ से इसके डार्कनेस अप्लाई करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड मेक अ सिलेक्शन, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड एक्सपोजर, इसे करते हैं डार्क, लेयर्स पे आएंगे एंड डबल क्लिक करते हैं
एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड कर्व, यहां से हम कुछ चेंज करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हमारा ये होटल है इसका कलर और बैकग्राउंड कलर कुछ मैच नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड सॉलिड कलर। तो हम यहाँ से कोई कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये, और अब हम इसे ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं कि ये कैसे लग रहा है। जहां से देखिए ये हमारा कलर सही है, तो हम यहाँ पे करते हैं और इसे हम लॉक कर देते हैं, क्योंकि अगर हम नीचे वाले किसी लेयर को अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा यही सिलेक्ट होगा। तो हम यहाँ से इसे लॉक कर लेते हैं एंड देन हम किसी भी लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसके चेंजेस देख सकते हो, पहले कैसे था और अब ये बेटर है। एंड देन हम इसके नीचे बनाते हैं शेडो, तो इसके लिए हम लेंगे एक न्यू लेयर, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं, हार्डनेस थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ओके, कैपेसिटी कम करते हैं एंड देन यहाँ पे लेयर मार्क्स ऐड करेंगे और ब्रश टूल, यहाँ से हम थोड़ी ब्राइटनेस इसकी कम करेंगे, तो ओपेसिटी कम करते हैं और यहाँ पे ऐसे, एक न्यू लेयर लेते हैं, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, वाइट कलर, ओपेसिटी कम करते हैं ओके। यहाँ से हमने ग्लोइंग इफेक्ट दे दिया, लेकिन हमें थोड़ा सा और देना है, तो इसके लिए हम इसे कॉपी करते हैं और जहाँ ऊपर लेके आएंगे ब्लेंडिंग मोड हम करते हैं स्क्रीन, फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर, इसे हम रखते हैं 4 एंड ओके। और अब हम ऑल्ट होल्ड करेंगे और यहाँ से लेयर मार्क्स ऐड करते हैं, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और हम ओपेसिटी कम करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे व्हाइट कलर और हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। परफेक्ट। और अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं, एक न्यू लेयर लेंगे, एडिट पे जाएंगे, फिल एंड 50% ग्रे, ओके, ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे ओवरले एंड यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं डोज टूल और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बर्न टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम डार्क करते हैं। और अब हम इन सभी को सिलेक्ट करते हैं, इनको कर देंगे हम ग्रुप। और अब हम एक न्यू लेयर लेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल टूल और यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, इसे हम रोटेट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से हम अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट ओवरले और यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेते हैं हम डार्क और यहाँ पे हम लेते हैं ये कलर, डिलीट करते हैं और इसके हम करेंगे कॉपी। तो कॉपी करने के लिए हम करेंगे ऑल्ट होल्ड और फिर हम इस टॉगल को ड्रैग करेंगे, जैसे कि हम ऐसे करके इसे हम कॉपी कर सकते हैं और नीचे की तरफ करेंगे तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा और इसे हम करते हैं न्यू, ये हमारा यहाँ पे सेव हो गया। और यहाँ से हम एंगल चेंज करते हैं, ये देखिए ऐसे, परफेक्ट। और यहाँ से हम अब अप्लाई करेंगे बेवल एंड एम्बर्स, तो यहाँ पे देखिए एंगल चेंज करते हैं इसका, आपको यहाँ पे साइड से हमें वाइट कलर का दिख रहा होगा
इसे हम वाइट करते हैं, ये देखिए ऐसे। एंड देन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं ड्रॉप शैडो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और इसके बाद जो हमारा डिस्टेंस है हम उसे इंक्रीज करेंगे, तो ये देखिए इतने पे हो रहा है। साइज इंक्रीज करेंगे और इसकी ओपेसिटी कम करते हैं। एंड ओके, परफेक्ट। फिर से हम इसकी कॉपी करते हैं, यहाँ पे रखेंगे। पर यहाँ से जो हमारा शेडो है हमें इसे चेंज करना होगा, हम इसका एंगल भी चेंज करते हैं। तो पहले हमारा जो ड्रॉप शेडो इसे ऑफ कर देते हैं और राइट क्लिक करेंगे और इसे हम करते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ताकि अगर हम इसके एंगल को चेंज करें तो जो हमारा से पोजिशन है वो चेंज ना हो। ये देखिए ऐसे। एंड देन हम यहाँ पे शेडो अप्लाई करते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे, ड्रॉप शेडो, एंगल चेंज करते हैं। एंड देन हम फिशेस की कॉपी करते हैं, साइज इंक्रीज करेंगे यहाँ, ड्रॉप शैडो ऑफ करते हैं। और अब हम फिल्टर पे जाएंगे एंड गॉजियन ब्लर, अगेन गो टू फिल्टर, ब्लर एंड मोशन ब्लर। गॉजियन ब्लर कम करेंगे, ओके। और यहाँ पे देखिए जो हमारा ये वाला पार्ट है, मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट डालना, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम ये कलर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसे हम करते हैं ओवरले, साइज इंक्रीज करेंगे, ओपेसिटी कम करते हैं, ओके। एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड एक्सपोजर, क्लिपिंग मार्क्स, न्यू लेयर लेंगे और यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम ग्लोइंग इफेक्ट, थोड़ा सा ब्लेंडिंग मोड करते हैं हम इसका स्क्रीन, हेलो ओके। और अब हम इन सभी लेयर को करते हैं मर्ज, तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई, राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन गो टू फिल्टर एंड कैमरा रो फिल्टर। एंड ओके। आई होप आप सभी को मेरा आज की ये डिजाइन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।